हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्टकैम में एक लोटस कैसे बनाते हैं वो दिखाएंगे। पहले आर्क टूल से ऐसे एक आर्क हमें ड्रॉ करना है, उसके बाद नोट्स एडिटिंग टूल लेकर इधर एक पॉइंट ऐड करना है, फिर इसे सिलेक्शन करके स्मूथ करना है। अभी इसे डुप्लीकेट करना है, ऐसे सिलेक्शन करके राइट। अभी जो दोनों पॉइंट्स है, पॉइंट्स एक ही जगह में रहना चाहिए, तो ऐसे करके पॉइंट्स को ऐसे कर दीजिए, बस। अभी इसे सिलेक्शन कर लीजिए, ये दोनों को जॉइन, फिर क्लोज कर दीजिए। क्लोज हो गया है तो ऐसे नीचे रखकर फिर एक एक करके हम ड्राइंग करेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल भी ऐसे रख देते हैं। फिर इसे भी राइट में कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद इसे सिलेक्शन करके फिर से और एक कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, फिर इसे थोड़ा हटा देते हैं ऐसे। इसके बाद इसे ऐसे करके और थोड़ा पतला कर देते हैं, फिर इस साइड में रख देते हैं। इसका हाइट थोड़ा सा कम कर देते हैं, बस। इसे हम लेके फिर लेफ्ट साइड में कॉपी करके लेफ्ट साइड में ऐसे रख देते हैं, हो गया। अभी नीचे का, तो नीचे के लिए अलग सा बनाना पड़ेगा ऐसा। इसे भी राइट साइड में कॉपी कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में सॉरी। कॉपी करने के बाद इसको राइट साइड में ऐसे हटा देते हैं। फिर ये दोनों को जॉइन कर देते हैं, फिर क्लोज। अभी इधर इस पॉइंट को ऐसे उठा देते हैं ऐसे करके, और इसे थोड़ा डाउन कर देते ऐसे, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, ये जो हमने ड्राइंग किए हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, फिर इसे नीचे रख देते हैं और इसे ट्रांसफॉर्म टूल से ऐसे छोटा करके ऐसे रखते हैं। रखने के बाद
इसे और इसे ऐसे सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट वेक्टर कर देते हैं, ये रह जाएगा एक मिनट। तो इसे हम कॉपी कर लेंगे, एक इसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर इसको सिलेक्ट करके सी प्रेस करके नीचे, फिर ऐसे इंटरसेक्ट, ठीक है। अभी खाली इधर का, इधर ऐसे करके ड्राइंग करेंगे, देख लीजिए। ऐसे और ऐसे, फिर इन दोनों को ज्वाइन, फिर क्लोज कर देंगे। देने के बाद इधर भी थोड़ा सा काम है, इसे हम अभी स्मूथ पॉइंट करेंगे। करने के बाद ये देखिए ऐसे कर देंगे और इसे ऐसे, और ये जो पॉइंट है इसको एकदम नीचे तक लेके जाएगा बस। अभी इसको भी ट्रांसफॉर्म टूल लेके थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देंगे बस। इसको और एक कॉपी, तो हम मिरर टूल लेके लेफ्ट में और एक कॉपी कर देते हैं। इसे सिलेक्ट करके सेंटर में ये कर देते हैं, उसके बाद उसे लेफ्ट के तरफ कर देते हैं। अभी इसको ऐसे रखकर ट्रांसफॉर्म से ऐसे घुमा देते हैं बस, ये हो गया। अभी ये दोनों को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, या कोई बात नहीं, कॉपी करना नहीं पड़ेगा, इधर से खाली राइट कर दीजिए, हो जाएगा बस। तो हमारा ये लोटस बन गया। अभी पूरा पूरा ऐसे सिलेक्शन करके कंट्रोल जी, फिर इसे F9 प्रेस करेंगे मिडिल में ले जाने के लिए, फिर इसे अनग्रुप कर देंगे, ठीक है। तो अभी और कुछ ड्राइंग बाकी है, वो कैसा ड्राइंग दिखा देता हूं। और एक आपको ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसा लेने के बाद ऐसे कर दीजिए, फिर इस पूरा से आपको इधर तक ऐसा, फिर वहां से ऐसा, फिर इन दोनों को ज्वाइन, उसके साथ इसे भी ज्वाइन, फिर इसे एक कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर इसे सिलेक्ट करके सी प्रेस करके इसके ऊपर रख के हम इंटरसेक्ट कर देंगे। फिर ये जो एक्स्ट्रा हो गया इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इधर लेके चलते हैं, फिर इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं बस, ठीक है। अभी ये दोनों लाइंस को ऐसे सिलेक्ट करके फिर इसे भी राइट कर देना होगा मिरर में, फिर इन दोनों को राइट एरो से दाएं तरफ लेके जाना होगा। अच्छा, इसे और थोड़ा रोटेट कर देते तो ठीक ठाक हो जाता, थोड़ा सा ऐसा बस। अभी इसको ऐसे करके रखेंगे, ठीक है। इधर भी ऐसा, बस। अभी करना क्या है, हमें एक एक करके ड्राइंग करना है। तो इधर हिसाब ऐसा है, जो पीछे का होगा उससे पहले ड्राइंग करना पड़ेगा। तो सबसे नीचे कौन सा रहेगा, सबसे नीचे ये दोनों, तो इन दोनों को
ड्राइंग करेंगे तो ये डिजाइन हम जो बनाएंगे 10 mm में बनाएंगे सब कुछ। तो ये दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मॉडल फिर से एडिटर, इसके ऊपर एक बार क्लिक, फिर देखिए स्केल टू हाइट हम इसको 10 mm रखेंगे। रखने के बाद अप्लाई एड, तो ये दोनों एड हो गया देख लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों लाइंस को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद हम इधर जाएंगे ऑफसेट वेक्टर, जाने के बाद हम 3 mm करके इनवर्ड्स लेफ्ट ऐसे कर देंगे। करने के बाद हमने जो 10 mm किए थे तो हम 6 mm सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी देख लीजिए तो 6 mm ऐसे हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया। देख रहे हैं, इसके बाद ये जो बाकी दो लेयर्स है लाइंस है ऐसे दोनों को सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद इसके ऊपर और एक लेयर लेंगे। लेने के बाद 10 mm था, 6 mm हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं तो 4 mm इसको हम ऐड कर देते हैं। देख रहे हैं ऐसे हो गया, देख लीजिए। ये हो जाने के बाद हम बाकी जो दोनों हैं लाइंस उन दोनों को सिलेक्ट करेंगे ऐसे करके, फिर ये दोनों ऐसे सिलेक्ट करना है। करने के बाद ये इसके ऊपर रहेगा तो ये 10 mm था तो थोड़ा ज्यादा होगा, तो हम हाइट को 2 mm बढ़ा देते हैं और इसको हम अभी 10 mm रखते हैं। और 10 mm के ऊपर ये 4 mm था तो इधर हम 5 mm में रखते हैं स्टार्ट हाइट। अप्लाई एड, और इसके साथ साथ और एक काम करेंगे हम, इसको मार्च हाई कर देंगे। देखिए मार्च हाई, ठीक है। और एक बात देखना पड़ेगा, देखिए ये थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ रहा है तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं हाइट। तो इधर से ये नीचे का जो लेयर है इसका हाइट हम 3 mm कर देते हैं और थोड़ा सा 2 mm। बस अभी ठीक है। अभी फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑफसेट वेक्टर्स में जाकर 3 mm इनवर्स में इधर भी करना है, और मॉडल सेव एडिटर इधर भी 6 mm सब्ट्रैक्ट। अच्छा ये नीचे का लेयर में हो गया, सॉरी ऊपर जो लेयर है इसी लेयर में होगा सब्ट्रैक्ट। ये भी ऐसा डाउन हो गया। अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर दो और लेयर है लाइंस है, इन दोनों लाइंस को ऐसे सिलेक्ट करके मॉडल, फिर ऐसे मॉडल में जाकर हम 4 mm ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड हो गया ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, नीचे का जो मतलब ये जो है ये लाइंस को हम सिलेक्ट करेंगे, करके और एक लेयर लेंगे। लेने के बाद मॉडल्स सेव एडिटर इधर भी हम, तो कितना हो गया 10, फिर 4, फिर और 5, 20 mm हो गया। हम इधर जाके 6 mm रखेंगे और इधर 10 mm ऐसे रख के अप्लाई एड, ये करके एक बार देख लीजिए, ठीक है। इधर आपको मार्च हाई रखना है, और थोड़ा बढ़ेगा हाइट तो हमें और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम 10 mm करके एक बार देख लेते हैं, अप्लाई एड, और थोड़ा बढ़ेगा तो इसको 12 mm हाँ अब ठीक है। फिर ये जो लाइन से इसको सिलेक्ट करके इधर भी इनवर्ट्स 3 mm है, और थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, ये जो
है इसे 3 mm इनवर्ट्स में रखेंगे, ठीक है। फिर मॉडल सेव एडिटर ऐसे 4 mm सब्सट्रैक्ट, फिर इधर जो ऐसे लाइन था बाहर का इसको हम ऊपर और एक लेयर लेके मॉडल सेव एडिटर इधर 2 mm रखते हैं और स्केल टू हाइट जो है इधर इसको 4 mm रख के अप्लाई ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये ड्राइंग हमारा हो गया। अभी करना क्या है, बाकी जो हिस्सा है उसका ड्राइंग करना है। तो वो ये जो ऊपर का लेयर है इससे डाउन होगा पर इससे ज्यादा ऊपर होगा, मतलब नीचे का हो जाएगा, देख लीजिए। और एक नया लेयर लेना है, लेने के बाद पहले इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट, फिर मॉडल सेव एडिटर, इधर कुछ करना नहीं है जल्दी हो जाएगा, खाली ऐसे 10 mm और 2 ये रखने के बाद अप्लाई ऐड और इधर आपको मार्च हाई रखना है ऐसे मार्च हाई, ठीक है। इसके बाद और दोनों लेयर्स, तो ये दोनों को ऐसे सिलेक्ट, फिर इसे हम क्या करेंगे इससे ज्यादा ऊपर होगा तो इधर 4 mm रखते हैं और इधर 12 mm रखते हैं, रखने के बाद मार्च हाई, मतलब एक ही लेयर में ड्राइंग कर रहा हूं ये मार्च हाई करके। अच्छा और थोड़ा सा बढ़ेगा ये, तो हम ये जो स्टार्ट हाइट है इसको 6 mm करके देखते हैं मार्च हाई, और थोड़ा सा ऊपर आएगा तो इधर इसे 8 mm रखते हैं, हाँ आप ठीक है। तो हमें खाली मार्च हाई कर देना है, और इसे 15 mm करते हैं, मार्च हाई, हाइट जो है इसको हमेशा मार्च करके रखना ही है। और थोड़ा सा होगा ऊपर, ये हाइट को 10 mm ही कर देते हैं, सॉरी मार्च हाई करना होगा, हाँ अब ठीक है हो गया। अब खाली नीचे का ये जो लेयर है इसको ड्राइंग करना है, तो इसके ऊपर और एक लेयर ले लेते हैं और ये इसे भी मार्च हाई रखते हैं ऐसे, ठीक है। और मार्च हाई रखने के साथ साथ ये जो लेयर्स है इसका हाइट अगर हम चाहते हैं तो और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देख लीजिए ये 25 है तो इसको 27 कर देते हैं, ठीक है ओके। अभी और एक ऊपर जो लेयर हमने लिए है मार्च हाई करके रखे हैं तो ये वाला लेयर रहेगा, तो हमारा नीचे का जो लेयर है इसका हाइट हमने 27 रखे हैं, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद मॉडल सेव एडिटर इधर हम 12 mm रखेंगे और इधर रखेंगे हम 17 mm, अप्लाई, अभी ऊपर का लेयर सिलेक्ट ऐड, और थोड़ा सा हाइट बढ़ेगा क्योंकि देखिए उड़ नहीं रहा है, तो हम कंट्रोल जेट करेंगे, फिर ये जो 17 mm है ये तो रहेगा ही, इधर 15 mm कर देते हैं, फिर देखते हैं, और थोड़ा बढ़ेगा तो इसको 20 mm रखते हैं,
और थोड़ा ऊपर जाएगा 25। अच्छा वो इसको 27 एमएम रखते हैं, 27। इसको इतना रखना नहीं पड़ेगा, 10 एमएम रखने से हो जाएगा। बस हो गया। पर नीचे का जो है ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ऊपर का थोड़ा, ऊपर का ठीक है। इसका हाइट और थोड़ा बढ़ा देते हैं, मतलब कार्बिन जो हाइट, इसे हम 20 एमएम रखते हैं। अब ठीक है, अभी देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये लोटस जैसा कुछ ड्राइंग कर सकते हैं। ये एकदम इजी है, खाली प्रैक्टिस करने के लिए ये हम दिखा रहा हूं। अभी पूरा जो लेयर है, पूरा लेयर को हमें मार्च कर लेना है। मार्च करने के बाद बाकी लेयरों को आंखें बंद कर दीजिए, विजिबिलिटी। फिर इसे देखिए, इसे ऐसे सिलेक्ट रख के, टोटल हाइट हमारा 47 है, इसको हम अगर 65 कर दे, देख लीजिए, देख रहे हैं एकदम एम्बॉस जैसा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा है, तो हम जब छोटा करके कुछ कटिंग करेंगे, अपने आप हाइट इसका कम हो जाएगा, एस्पेक्ट रेशियो पकड़ के, देख रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा लेयर को सिलेक्ट करके ये जो है इसे हम विल्ड वेक्टर्स कर देंगे। अभी देखिए क्या करता हूं, इस पूरा लेयर को हम स्मूथ रिलीफ कर देते हैं। ये स्मूथ रिलीफ देने के बाद हमने जो आउटलाइन लिए थे, आउटलाइन को सिलेक्ट करके मॉडल सेब एडिटर, अभी जीरो रेस्ट, बस देख लीजिए बाहर का हिस्सा डिलीट हो गया। ऐसे करके हम ये लोटस ड्रॉइंग कर सकते, बना सकते। ये सब और भी अच्छा करके बनेगा। आप शुरुआत में जब आर्ट कैम सीख रहे हो तो ऐसे करके हमें प्रैक्टिस जारी रखना है, फिर ये डिजाइन कैसे बनेगा यह आइडिया अपने आप आ जाएगा, फिर हम इससे भी बेहतर और अच्छा डिजाइन बना पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।